आखिर कौन थे वह योद्धा जिन पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी विफल हो गया? आखिर यह योद्धा कितने शक्तिशाली थे जो इन पर सुदर्शन चक्र भी असर नहीं कर पाया? सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का महाशक्तिशाली अस्त्र है जो उनके उग्र रूप को दर्शाता है। इस चक्र ने ना जाने कितने असुरों का वध किया है। भगवान विष्णु का यह सुदर्शन चक्र महादेव के त्रिशूल की तरह ही अत्यंत शक्तिशाली है। और जैसा कि आप सब यह तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भगवान महादेव से ही प्राप्त हुआ था। एक बार इस सुदर्शन चक्र को छोड़े जाने पर इसको किसी भी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता। यह सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को पूरा करके ही वापस आता है। लेकिन हमारे इतिहास पुराणों में कुछ ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जहां पर यह सुदर्शन चक्र विफल हो गया था। आज हम बताएंगे उन योद्धाओं के बारे में जिन पर यह सुदर्शन चक्र बिल्कुल भी विफल हो गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही नई नई इतिहास की रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में जिन पर सुदर्शन चक्र काम नहीं कर पाया था। आखिर इनके पीछे का कारण क्या था, चलिए जानते हैं विस्तार से। देवी भागवत स्कंद 5:6 के अनुसार जब सभी देवताओं महिषासुर तथा उसके सभी सैनिकों के साथ युद्ध चल रहा था, उस वक्त महिषासुर का एक सेनापति अंधकासुर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर उन पर बाण चलाने लगा। तब भगवान विष्णु ने उसके सारे बाण काट डाले और उस असुर पर बहुत सारे प्रहार किए। इसी तरह से भगवान विष्णु और उस असुर के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु पर कई प्रहार किए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने धनुष से कई शक्तिशाली बाण उस असुर पर चलाए, पर उन सबको अंधकासुर ने काट दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र असुर पर चला दिया, लेकिन अंधक ने अपने शक्तिशाली अस्त्र से सुदर्शन को भी विफल कर दिया। सुदर्शन चक्र को असफल होते हुए देख सभी देवता भयभीत हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी कुमोदगी गदा से प्रहार किया। कुमोदगी गदा के प्रहार से असुर मूर्छित हो गया, लेकिन अंधकासुर एक ऐसा असुर था जिस पर सुदर्शन चक्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वही महाभारत के शासन पर्व 14 में भीष्म पितामह और श्री कृष्ण का संवाद मिलता है, जिसमें भीष्म पितामह बताते हैं कि पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ था। उसने भगवान शिव की वर्षों तक तपस्या करके समस्त तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त किया था। उसी का एक पुत्र मंदार नामक, जो भगवान शिव के वरदान के कारण इंद्रदेव से कई दिनों तक युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र अस्त्र भी उस असुर का उस काल में कुछ भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस पर किए गए प्रहार का कोई भी असर नहीं हो पाया था, क्योंकि उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हो चाहे इंद्र का वज्र अस्त्र, चाहे सैकड़ों शक्तिशाली अस्त्र हो, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। वही वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब देवों का रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब बाकी कई दिव्य अस्त्रों के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी रावण के ऊपर चलाया गया। हालांकि इसमें खास नोट यह दिया गया कि सुदर्शन चक्र वह नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का कोई दूसरा ही चक्र था। साथ ही इसकी पुष्टि वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड में भी की गई है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी रावण पर सफल नहीं हो पाया था। वही कूर्म पुराण के 14 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था, तब कहते हैं कि वीरभद्र जी भगवान शिव के ही एक उग्र रूप के अवतार है, क्योंकि उस समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं माता सती ने अपने आप को नष्ट कर लिया था। इसके बाद क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था। कहते हैं कि वीरभद्र के अंदर उस समय इतनी शक्ति थी कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाया था। उन्होंने ऋषियों और देवों से आग्रह किया था कि वह इस यज्ञ को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वह उस समय दक्ष प्रजापति को मारना चाहते थे।
और उनकी पूरी सेना को नष्ट करना चाहते थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने बीच में आकर उन्हें रोकना चाहा और अपना सुदर्शन चक्र भी चलाया, लेकिन वह सुदर्शन चक्र उस समय वीरभद्र का कुछ भी नहीं कर पाया।